अपने पति को कितना मार सकते हो, मैं भी देखता हूँ आज, लो मार लो। इतना इरिटेटिंग कोई कैसे हो सकता है? बच्चों को भी तो पता लगे, मारो ना, मारो। नहीं मारोगे, पता है ना प्यार करते हो, बस हो गया, मारो, खड़ा हूँ ना, मारो, खड़ा हूँ। कितना बदतमीज इंसान है ये। हाँ तो दोस्तों, मैं हूं करण तुम्हारा भैजी और वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ नया करा है और तुम्हारे भाई को हमेशा की तरह मार पड़ी है। भाई पता नहीं क्यों इतनी मार पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ वीडियो में। क्या हो गया क्या भाई, कौन हो आप, क्या यार, क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया यार, प्लीज ऐसे नाराज होके, मतलब यार तुम ऐसे बाहर आ जाओगी क्या? मैं नाराज क्यों होगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा हो गया कि अब तुम मेरे को जानती भी नहीं? रियली मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपका नाम तक नहीं पता मुझे, तो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पहले तो रैली नहीं होता, ठीक है, रियली होता है। हाँ, रैली वो केजरीवाल की रैली चल रही है क्या कोई? यार ऐसे थोड़ी होता है कोई, मतलब दो हम दोनों की लड़ाई हो गई, तुम भाग के आ गए, ऐसे बैठी हुई हो। किसकी लड़ाई, कौन सी लड़ाई, मैं नहीं जानती। मतलब यार ऐसा तो मत करो, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। ऐसा मत करो यार, प्लीज। मैं 20 साल की हूँ और मैं बैचलर हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो मैं 50 साल का लग रहा हूँ क्या कोई? तो आपकी एज होगी, मुझे क्या करना उसका? नहीं, मैं 50 साल का लग रहा हूँ। आपकी वाइफ लग रही हूँ आपको? नहीं, ये बताओ ना, मैं 50 साल का लग रहा हूँ? पिटाई खानी है क्या? चलो यहाँ एक बात बताओ। नहीं आप क्या, निकलो, मैंने कहा ना। देखो यार ऐसे मत करो, करूं अभी? ऐसे मत करो। कैसे ना करूं, आप जबरदस्ती मुझे अपनी वाइफ को ले जा रहे हो, मेरे आपके बच्चे हैं क्या, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखो स्मृति, ऐसे मत करो। स्मृति मेरा नाम, अगर देखो घर में लड़ाई होती रहती है छोटी मोटी। मेरा नाम स्मृति नहीं है, आप किसी और को समझ रहे हैं। एक तो नहीं, एक तो मेरे को पहचान नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे आ गए लड़के, ठीक है, और ये मेकअप थोप लिया मुंह पे, तो ये सोच रहे हो कि मेकअप थोप लिया, मेरा फेस में कुछ भी लगाऊं आपको क्या है? तो यार फेस तो मेरा, हाथ उठ जाएगा, प्लीज यहाँ से जा रहे हो। हाथ उठ जाएगा, मेरी बात तो सुन लो। अब तुम ये सोच रही हो कि तुम ऐसे मेकअप लगा लोगी, लिपस्टिक थोप लोगी तो मैं तुम्हारी बंदे। लिपस्टिक थोप लोगी क्या मतलब? आप अपने घर में अपनी वाइफ से, अपनी बहन से ऐसे? तो मैं अपनी वाइफ से ही तो बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी बंदरिया जैसा चेहरा पहचान नहीं पाऊंगा। आई एम नॉट योर वाइफ। यार ऐसा मत करो प्लीज, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, हटो, मेरी बात सुनो। देखो पुलिस को फोन कर रही हूं। यार पुलिस की बात पहले, मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं, आप जब से यही बोले जा रहे हो, हमारे बच्चे हैं, क्यों लड़कर आ गए? तो हमारे बच्चे हैं वो छोटे छोटे, एक बात बताओ, तुम जब से गई हो ना, कसम से तुम कल रात से घर नहीं आई, एक तो सुबह तुम यहाँ बैठी हो, इतनी मुश्किल से मुझे पता लगा, पता है कि तुम यहाँ पे हो? किसने बताया? मेरे मुखबर बहुत है यार, मतलब अपनी भाभी को पहचानेंगे नहीं क्या? मैं नहीं, एक बात बताओ, बच्चे छोटे छोटे, उनकी लैटरिंग मेरे को साफ करनी पड़ रही है। तो करो ना, मेरे बच्चे थोड़ी ना, मैं देखो तो ऐसा मत करो, मतलब यार, मतलब सात फेरे ले लिया मेरे साथ और कह रही हूँ शादीशुदा नहीं हूँ। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग, प्लीज चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन लगाऊंगी। स्मृति मत कर ऐसा। स्मृति मेरा नाम स्मृति नहीं है। दो मिनट में नाम भी चेंज कर लिया तुमने। यार ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात, मुझे लगता है अपनी चप्पल निकालनी पड़ेगी। सुनो मेरी बात, क्या बात सुनो, चप्पल मत निकालो, मेरी बात सुनो। हां बोलो, बैठो दो मिनट, बैठो बैठो। एक बात बताओ, आप यहां अकेले क्यों आए हो? अकेले क्यों आई हूं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, एनी प्रॉब्लम? मतलब यार मेरे जाते ही तुमने बॉयफ्रेंड भी बना लिया? मेरा बॉयफ्रेंड 3 साल से है, आपको कोई प्रॉब्लम? 3 साल से बॉयफ्रेंड है, और वो जो हमारे बच्चे हो रखे हैं उनका? कौन से बच्चे भाई, कौन नहीं है, मेरे को बचाओ कोई इससे, बहुत पागल इंसान है, मेरी बात सुनो, हमारे बच्चों, एक बात बताओ, हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, बताओ ना? आपकी वाइफ रखेंगी, जो आपकी वाइफ होने को, मेरी वाइफ तो तुम ही हो ना, मेरी वाइफ तो तुम ही हो, बात तो सुन लो मेरी, मैं बहुत देर से, प्लीज जाओ यहां से। ठीक है मैं मानता हूं, ठीक है मैं मानता हूं, हां कोई ऐसे नहीं, तो मैं मारने वाली हूं अभी तुम्हें। यार ऐसा मत करो, देखो ये सारी बातें ना घर पे बैठ के होगी, घर पे बैठ कर क्या मैं आपसे यहां 2 मिनट तक बात और नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मैं इरिटेट हो रही हूँ बहुत ज्यादा। क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा झगड़ा ही तो हुआ है, तो क्या हो गया, तू ऐसा क्यों कर रहा है? कब हुआ भाई, बचाओ इस इंसान से, कौन है वो? एक तो तुमने जो ये हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हम दोनों के, ठीक है, अच्छा क्या नाम है एक बच्चों का बताओ जरा, क्या बताऊँ तुम्हें, बच्चों का नाम क्या नाम है बताओ बच्चों का? अरे अंकित और पूजा। हाँ तो अभी बताती हूँ, तो सुनो, तो पूजा मिलाऊं पुलिस को फोन? क्या हो गया, देखो मेरी बात सुनो, देखो घर में आपको पता है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि पति पत्नी के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं, क्यों ऐसा कर रही हो? बोल लिया आपने, नहीं क्यों ऐसा नहीं कर रही हो? कह लिया आपने, ये बताओ ना क्यों ऐसा कर रही हो? भैया मेरी बात सुनो, मैं आपकी वाइफ सुनो, सुनो स्मृति, सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनो, स्मृति सुन लो, मेरी बात सुन लो,
मैं तुम्हारे नखरे झेल सकता हूँ कि हाँ ठीक है तुम लड़के यहाँ पे आ गई, पर तुम भैया मत बोलना। आप मेरे भैया लगोगे तो बोलूंगी ना। हमारे दो बच्चे हैं, उनका क्या होगा? कहाँ से बच्चे आ गए? नहीं, सात फेरे ले लिए, उसके बाद तुम कह रहे हो कि भैया बोल रहे हो तुम मुझे? है, मैं उसको जाकर मतलब ट्रीट करूंगी, उससे बात करूंगी, आपसे क्यों बात करूंगी? मतलब तुमने, मतलब एक दिन लड़ाई नहीं हुई, तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। वाह यार, मेरा बॉयफ्रेंड 3 साल से, आपको गलत फहमी हुई है, प्लीज जाइए यहाँ से भैया, प्लीज। तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? आप जा रहे हो या मैं मारना स्टार्ट करूँ? प्लीज क्यों मारोगे, एक बात बताना। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, पहले इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर खड़े हो, देखो हमारी जोड़ी इतनी अच्छी है, मैं तो चाहता हूँ कि ये जोड़ी सलामत रहे, देख रहे हो कितने कितने प्यारे जोड़ी, हमारी जोड़ी, हम कितने प्यारे लग रहे हैं साथ, प्यारे प्यारे कहाँ से लग रहे हैं? स्मृति लड़ाई हो गई तो क्या हो गया? मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, देखो देखो क्या फोटो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, 3 साल हो गए हम लोगों को एक साथ डेट करते हुए। स्मृति सुनो मेरी बात सुनो, ये अपने जो दोस्त है ना जिनको तुम भाई कहती हो, उनकी फोटो मुझे मत दिखाओ। आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या गलतफहमी हुई है ये बताओ? गलतफहमी आपको ये हुई कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, आप मुझे अपनी वाइफ समझ रहे हो, और आप बता रहे हैं कि आपके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो हमारे, तो हमारे बच्चे नहीं है ये बताओ? नहीं है, एक बात बताओ, तो शादी भी नहीं हुई है। एक बात बताओ, जब तुम अंकित से अंकित को खिलाती हो कितना खुश होता है, देखा तुमने? कौन अंकित भाई, मैं नहीं जानती। एक बात बताओ, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे लग रहा है। ठीक है मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैं छोटी छोटी चीजों पर लड़ता हूँ, पर देखने मतलब ये थोड़ी है कि तुम यार मेरे को पहचानने से इनकार कर दोगी। और दिमाग की इलाज की जरूरत है, आप जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। इलाज की जरूरत क्या है? इलाज की जरूरत है। तुम मेरा प्रोटीन शेक नहीं बनाती सुबह सुबह? प्रोटीन शेक मैं नहीं बनाती। तुम ही तो मुझे बोल, मैं एक सीए फॉर्म में जॉब करती हूँ, मैं ऐसे कैसे आपसे बात कर सकती हूँ, आपको प्रोटीन शेक बना के दूंगी? मैं तो जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ, वहीं पे मेरा बॉयफ्रेंड है, 3 साल हो गए हम लोगों को, तो मैं आपसे कैसे आ गया बॉयफ्रेंड, कहाँ से आ गया? मेरी बात सुनो, आप देखो मेरी बात सुनो, 3 साल हो गए। देख मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बाहर, ठीक है, जो हो गया देखो उस पर पानी डालो, ठीक है, जो हो गया उस पर पानी डालो, मिट्टी डालो, कुछ भी डालो। समझ नहीं आ रहा कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, आपके आप यहाँ किसके साथ आए? अब सुनो, अब बहुत देर हो गई, वो जो तुमने छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं ना, एक तो तुमने उन्हें ठुसाने की आदत इतनी दे दी, वो साले 5-5 बार तो खाना खाते हैं घपोड़ के तुम्हारी तरह। मैंने, मुझे तो खाना बनाने भी नहीं आता है। तो वही कह रहा हूँ ना, मैंने तो घर पे मेड रखी हुई, वो तो खुद खाना बनाते हैं यार। मतलब यार इतना झूठ बोलोगे, चलो यार क्यों ऐसा कर रहे हो? मतलब एक बार मैं आपको कैसे समझाऊं, आपको नहीं समझ आ रही है, मैं प्यार से समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रही है, मैं इंसानियत के नाते चुप हूँ अभी तक। ये बताओ ना, तुम मुझे मारो, देखो मेरी बात सुनो, मारू मैं सच में मार दूंगी, तो निकल जाओ, नहीं तो यहाँ से अभी निकल जाओ। अपना पति, अपना पति, मेरा कोई पति नहीं है, निकलो यहाँ से अभी। मैं क्या हूँ फिर, मुझे क्या पता कौन हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कहाँ से आ गए? मतलब इतने साल साथ रह लिए, दो बच्चे हो गए, तुम कह रहे हो कि कहाँ से आ जाते हो? मेरे दो बच्चे नहीं, आपके होंगे, आपकी वाइफ के होंगे, लड़का थोड़ी बच्चों दे सकता है। अरे तो आपकी वाइफ ने, तो मेरी वाइफ तो तुम ही हो ना? मैं नहीं हूँ आपकी वाइफ, निकलो यहाँ से। मेरी वाइफ तुम ही हो, ये अपना गंदा सा चेहरा लेकर निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गई है। अगर मेरा गंदा है तो तुम्हारा भी तो गंदा है, तभी तो हमारी केमिस्ट्री बनी है, तभी मेरा तो हमारी शादी हुई है। मेरा गंदा चेहरा है, पहले भी बोला था मैंने, तुम्हारा गंदा चेहरा है, मैं रह सकता हूँ। मेरा गंदा चेहरा है तो यार तुम हेमा मालिनी थोड़ी हो, तुम कैटरीना कैफ हो, यूं करके यूं फोटो खिंचाओगी तो अच्छी लगेगी। मैं कैटरीना कैफ नहीं हूँ, हेमा मालिनी नहीं हूँ, निकलो। जो हेमा मालिनी कैटरीना कैफ है ना, उसको लेकर जाओ। मेरी बात सुनो, घर चल रहे हो? नहीं चल रही मैं। क्यों नहीं चल रही? क्यों मेरा घर जहाँ है मैं वहाँ जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना आपके। तो मतलब तुम अपने, अरे हद है, जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? मतलब बहुत देर हो गई इरिटेट मतलब करते हुए। मेरे दिल की कोई वैल्यू नहीं है? क्या दिल आपकी? अच्छा, वाइफ देखेगी आपका दिल? मैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, हाँ, मेरी आंखों में देखो, पहले ध्यान से मेरी आंखों में देखो, देखो ध्यान से देखो मेरी आंखों में, तुम्हें प्यार नजर आएगा। प्यार ध्यान से देखो यार, मुझे तो लग रहा है आपको इलाज की जरूरत है, अपनी आंखें देखो, रेड हुई पड़ी है पूरी, इलाज कराओ जाकर। रेड तो मैं रो रो के तुम्हारी याद में, जो रो रो कर नशा करते होगे कहीं, तभी ये फालतू की हरकतें कर रहे हो उल्टी। तुम मतलब स्मृति तुम ऐसे बोल रहे हो, मतलब मैं पता चश्मा भी इसलिए पहन के आया हूँ कि लोगों को पता ना लगे कि मैं कितना रोया हूँ। उतार दो चश्मा, लोगों को भी पता चलने दी कितना नशा करते हो और किससे क्या बातें कर रहे हो आप आकर। मत बोलो ऐसा, क्या बोलूं फिर, आप नशे करके और कई हरकतें कर रहे हो, किसी भी लड़की को अपनी वाइफ में ले जा रहे हो, हद हो गई है। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे स्मृति? कैसे नहीं मानूंगी? नहीं जाओगे घर? आप नहीं मान रहे हो? नहीं चलोगे? फिलहाल तो आप नहीं मान रहे हो, निकलो यहाँ। हमारे बच्चों को कौन निकलो? देखेगा बताओ, कहाँ ना मैंने, अभी उन्हें स्कूल भी पढ़ाना है यार। हाँ तो पढ़ाओ जाके, अपनी वाइफ को बोलो, अपनी फैमिली को बोलो, आपकी मम्मी होंगी ना, उन्हें जाकर बोलो चलो घर चलो। नहीं जा रही मैं, चलो ना, मेरा घर, मेरा घर है, मैं जाऊंगी ना, आप अपने घर जाओ। स्मृति घर चलो ना, क्या कर रहे हो? मैं अभी आराम से समझा रही हूँ, समझ जाओ, बहुत देर हो गई है। स्मृति घर चलो। नहीं जा रही मैं, अरे स्मृति घर चलो। हाथ कैसे पकड़ा मेरा? स्मृति निकल रहा है नहीं अभी। स्मृति
गुस्सा मत करो, मार लो कोई बात नहीं, घर पे मार लेना बेलन से, झाड़ू से। चल निकल 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 चल, ऐसा ना करो प्लीज। चप्पल निकाल के रुक, मत करो स्मृति, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसा मत करो स्मृति प्लीज। रुक रुक, ऐसे समझ नहीं, घर पे मार लेना जितना भी, निकल निकल, घर पे मार लेना, निकल प्लीज स्मृति, चल प्लीज स्मृति, जा रहा है नहीं, चलो मार लो, तुम्हारे प्यार में पिट भी लूंगा, लो खड़ा हो, मार लो, गॉड निकल यहां से, मार लो, कितना मारोगे अपने पति को, कितना मार सकते हो, मैं भी देखता हूँ, लो मार लो, इतना इरिटेटिंग कोई कैसे हो सकता, बच्चों को भी तो पता लगे, मारो ना मारो, नहीं मारोगे पता है ना, प्यार करते हो, बस हो गया, मारो, खड़ा हूँ ना, मारो, खड़ा हूँ, कितना बदतमीज इंसान है ये, मेरे सारे सपनों के शहर में आग लगा के गई, मेरे प्यारे घर को भी तू जैसे नरक बना के गई, मतलब बच्चों को, मतलब बच्चों को ऐसे छोड़ सकते हो, मतलब मेरे साथ नहीं चल सकते, जा रहा है नहीं, नहीं चल सकते ना, जा रहा है नहीं, नहीं जाओगे, तू जा रहा है नहीं, ये बोल, नहीं जाओगे, ये बताओ, निकल जा, सैंडल खा लिया तूने, अभी भी अकल नहीं आ रही, मतलब तुम जाओगे नहीं, मतलब मुंह पे मारूं, मारो, मैं भी देखता हूँ कितना गिर सकते हो आज तुम, वो जो बच्चे, गिरा हुआ इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा, गॉड, वो जो काले पीले बच्चे जो घर पे छोड़े हुए, उनका उनका कोई ख्याल नहीं है, काले पीले बच्चे होंगे तुम्हारी बीवी के और तुम्हारे, एक तो वो गए तुम्हारी शक्ल पे हैं, अपनी शक्ल देखिए, मेरी शक्ल पे, एक तो गए तुम्हारी शक्ल पे, तो किसकी शक्ल पे गए, तेरी शक्ल पे होंगे, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, एक भी बच्चा स्मार्ट है क्या दोनों में से, हाँ तो होंगे किसी के, मुझे क्या पता किसके होंगे, मुझे क्या पता, शादी तुमसे हुई है तो, शादी तुमसे हुई है, एक बार बताओ कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं, मुझे पता नहीं, पता नहीं किसके बच्चे, चार पाँच साल से तुम उन्हें पाल रहे हो और तुम बोल रहे हो कि किसी और के होंगे, यार ऐसे कैसे हो सकता है किसी और के, जा रहे हैं नहीं, मतलब नहीं जाओगे तुम, चल चप्पल तो नीचे रख दो, अभी तक अच्छा आपसे बात कर रही थी, अब तू पर आ गई, अच्छा नहीं लग रहा, अब क्या चाहता है, चप्पल, मैं चप्पल बजा भी सकती हूँ, बजा देना, अब वो तक आएगी चप्पल, चप्पल नीचे रख दो यार, चप्पल नीचे रख दो, अच्छा नहीं लग रहा, देखो मैं नहीं चाहता कि बाहर ऐसे लड़ाई हो, प्लीज यार घर पे, और क्या पिटाई तो खाली, इससे ज्यादा क्या होगा, घर पे सॉल्व कर लेंगे प्लीज, क्या सॉल्व कर लेंगे, मेरा कोई घरवर नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे भी नहीं है मेरे साथ, प्लीज घर पे सॉल्व कर लेंगे, क्या घर पे सॉल्व कर लेंगे यार, हद हो गई, देखो यार पहले तो ये जो चमकांडा सा तुम्हारा चेहरा है ना, इसको थोड़ा सही कर लो, इसको थोड़ा सही, इसको थोड़ा सही कर लो, सुन तो लो यार, सुन लो, बुरा क्यों मान रहे हो, सुनो मेरी बात, सुनो, निकल ले, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, सुनो 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 तो सुनो, लो यार तुम पत्थर ही मार लो, पत्थर ही मार लो, पहले उसे नीचे फेंको, नीचे फेंको, पहले उसे नीचे फेंको, क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ, मैं नाराज कहां, बैठो बैठो तो सही, क्या हो गया, लिमिट, तुम मुझे सच में नहीं पहचानती, दूर होकर बैठ, दूर होकर, तुम मुझे सच में नहीं पहचानती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानते, खालिया दिमाग, बिल्कुल नहीं पहचानते, खालिया दिमाग, अब मुंह पर लगा जिप और निकल यहां से, चल, बिल्कुल नहीं पहचानते मुझे, नहीं भाई क्या दिमाग खा के क्या है, तुम निकल ना यहाँ से, बहुत देर होगी देखते हुए, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो ये बताओ, मैं कुछ भी करूँ मेरी लाइफ, मतलब तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ तो एक थी ना, आज क्या हो गया, तुम जैसे फालतू लोग है ना बहुत बकवास होते हैं, तो इन चिड़िया कौओ इन पेड़ों से बात करो जाकर, दीवार क्या की मेरे कच्चे मकान, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए, तो मैं एक खूबसूरत लड़की से बात करूंगा, देख लोग देख रहे हैं, इंसल्ट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, मेरी भी इंसल्ट हो रही है, तेरी भी, निकल जाए यहां से, यार इंसल्ट मतलब यार तुम ऐसे छोड़ के चले गए, इंसल्ट क्या वाली क्या बात है इसमें, क्या चाहता है भाई, क्यों दिमाग खा रहा है, घंटा हो गया, घंटा क्या हो गया, सुनो मेरी बात सुनो, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं, क्या वार्निंग दे रहे हो, मेरी बात सुनो, देखो बुरा मत मानो, खड़े हो, पहले आप खड़े हो, क्यों खड़े हो, तुम्हारे कहने से बैठूंगी, खड़े होंगी मैं, अब खड़े तो हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो बताओ, मेरे से दूर रहो पहले, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, पहले दूर रहो मेरे से, गुस्सा क्यों कर रहे हो बताओ, गुस्सा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी, तुम जैसे इरिटेटिंग लोग पता नहीं कहां से आ गए, तुम बच्चों को ऐसे छोड़ के आ गई, मतलब दूर क्यों हटो ये बताओ ना, क्या हाथ है यार, बहुत देर हो गई, मेरी बात सुनो, अब देखो बहुत देर तुम्हें हो गई, और कोई नहीं मिला क्या मजाक करने के लिए, क्या हद हो रही है, मतलब बहुत देर तुम्हें हो गई, अब घर चलो, हाथ छोड़ मेरा, बहुत देर हो गई तुम्हें, घर चल लो, हाथ मत लगा, चल निकल यहाँ से, पता नहीं कैसे हाथ लगाया जा रहा है, एक घंटा हो गया यार, बच्चे वेट कर रहे हैं यार, तो कर रहे होंगे, जाओ अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ जो मर्जी करो, चलो यार हाथ हटाओ,
चल लो यार, हाँ थोड़ा चल, चल लो यार, चल, बुरा मत मानो यार, बुरा क्या मान रहे हो स्मृति? अरे क्या हो गया स्मृति? छोड़ तो, छोड़ तो, हाथ कैसे लगाया वो भी मेरे गालों पर? सुनो सुनो, देखो मैं एक छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, बुरा मत मानना। मजाक? पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, नहीं कर रहा कुछ भी यार, डर क्यों रहे, इतना डर क्यों रहे? एक बात बताओ, पता है आपके चेहरे पे ना गुस्सा अच्छा नहीं लग रहा, इतना प्यारा चेहरा है आपका, गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऑफ कोर्स कोई ऐसे बात करेगा तो गुस्सा आएगा। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, मतलब यार क्या बोलूं, छोड़ो, छोटा सा मजाक कर रहे थे आपके साथ, कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं मजाक कर रहा था आपके साथ, बुरा मत मानना, ठीक है? आपके और मेरे कोई बच्चे नहीं है, ना मेरे कोई बच्चे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था। इतनी देर से आप मजाक कर रहे थे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे को आप अच्छे लगे, सीरियसली मैं वहाँ से देख रहा था, तो मैंने कहा यार आज इस लड़की के साथ मजाक कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं छोटा सा मजाक कर रहा था, मेरा यूट्यूब पर चैनल है, सब लोग हैं, मजाक मिर्ची मिला आपको करने के लिए, सुंदर लोगों के साथ मजाक होता है ना, मजाक भी अच्छे लोगों के साथ होता है, ठीक है, तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है करण कोटनाला के नाम से, मैं प्रैंक वीडियोस बनाता हूँ, वो देखो वहाँ सामने झाड़ी में कैमरा लगा है, दिखा आपको पहले बताना चाहिए था ना, तो पहले बता के कौन सा प्रैंक होता है, मैंने सोचा पता नहीं कौन इतनी देर से इरिटेट क्यों, वैसे मारा बहुत तेज आपने यार, यार एक बार हाय कर दो कैमरे पे, हेलो, बोल दो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और क्या, अब बेल आइकन तो प्रेस कौन करेगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, तो आपकी वीडियो यूट्यूब पे डाल सकते हैं अगर आप बुरा ना माने तो, sure. कोई इशू तो नहीं है ना? नो नो, पक्का, तो दोस्तों मार बहुत पड़ी है, और ये मेरे बच्चों की माँ नहीं है, ये बहुत प्यारी सी लड़की है, और वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वैसे आपके गाल बहुत अच्छे खींच लो एक बार।